आज लाला जी को बहुत बधाई मुबारकबाद। गांव बहुत फेमस है, बड़ा लोगों के लिए तो ने कहा, मुझे नहीं पता, I'm sorry, मैं गलती है, आपसे क्षमा मांग। कुछ एक संस्था ने पंचकूला में फंक्शन किया था ब्राह्मण संसद के नाम से, तो काफी पूरे हरियाणा से लोग वहां पे आए थे। अब उन्होंने संवाद शुरू किया है, तो संवाद जिला लेवल पे वो संवाद कर रहे हैं, जिसमें सब पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों को बुलाया जाता है, जो वो लोग जो नहीं राजनीतिक पार्टियों से जुड़े उनको भी बुलाया जाता है, तो काफी समय दिया जाता है एक संवाद किया जाए, विचार किया जाए, ताकि जो समाज की कुछ समस्याएं हैं उनके बारे में सोच के किस तरह से उनको सुलझाया जा सकता है, इसके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। मुझे भी बुलाया था, और राई से MLA हैं मोहनलाल जी, वो भी आए थे, कुलदीप शर्मा आए थे, बहुत सारे और लोग, बहुत लोग बोले हैं। आप तो थे शायद वहाँ, 25-30 लोगों ने वहाँ अपने विचार रखे, तो उनका ये मानना है कि सब विचारों को सुन के फिर हम एक विश्लेषण करेंगे और उसके ऊपर फिर हम उसका निचोड़ निकालेंगे, उसका निष्कर्ष निकालेंगे, फिर देखेंगे उसको क्या आगे करना है। ये आज का जो प्रोग्राम था इस बारे में, राजनीति में समाज की भागीदारी और बढ़ाने की बातें सब रही थी। देखिए, ये कभी भी अच्छी राजनीति जो है समाज सेवा से अलग नहीं होती। समाज सेवा एक कार्य था, जिन लोगों ने भी राजनीति ज्वाइन की है वो सबसे पहले समाज सेवा में आए, और समाज सेवा के जरिए ही वो राजनीति में गए, और अगर वो समाज सेवा को भूल जाते हैं राजनीति में जाके, तो कामयाब नहीं रहते। बस इसी बात हुड्डा सरकार में विनोद शर्मा एक बड़ा चेहरा थे, वो एक पार्टी वापसी है, अगले लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव में विनोद शर्मा को अपनी पार्टी के रूप में देखेंगे या बीजेपी या कांग्रेस में? देखिए, पार्टी अभी तो चुनाव आए नहीं, ना अनाउंस हुए हैं, आपके बारे में कोई चर्चा भी नहीं है। पार्टी मैंने बनाई थी, मैं जो अपने व्हाटएवर लिमिटेड वे जिस ढंग से मैं कोशिश करता हूँ अपने इलाके में लोगों की सेवा करें, मैं अभी चुनाव के बारे में कोई निर्णय है नहीं, जब चुनाव घोषित होंगे तो बात करेंगे। विनोद जी, जिस प्रकार से आपका बेटा कार्तिका शर्मा जी राज्यसभा में सुशोभित है, तो कभी उनको मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है तो विनोद शर्मा जी उनका मार्गदर्शन करते हैं राजनीतिक? सर, थोड़ा कैमरे के नजदीक नहीं, मेरे ख्याल में वो सक्षम है, वो समझते हैं, राजनीति को भी समझते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को भी समझते हैं। अभी तक तो कोई ऐसा मौका नहीं आया कि मेरे मार्गदर्शन की जरूरत पड़े। विनोद जी, जिस प्रकार से हर जाति वर्ग अपने अपने सम्मेलन कर रहे हैं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करती है, दूसरी तरफ हम कहते हैं जात पात एक बुराई है, उससे पीछा छुड़ाना चाहिए, तो ये दोनों बातें विरोधाभासी हैं, किस स्थिति में इससे पार पाया जा सकता है? आपका प्रश्न जो है बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, वैसे मैं जवाब आपका देता हूं कि हम जब भी कभी कोई शादी होती है तो शादी तो अनिवार्य है, शादी में फंक्शन भी होता है, लोग भी आते हैं, खाना भी खाया जाता है, हम उसका बुरा तो नहीं मानते। हम बुरा मानते हैं कि जब शादी के जरिए दिखावा किया जाता है, तो है तो दोनों ही शादियां, एक एक्स्ट्रा वेगेंट है जिसने बहुत सारा खर्चा किया, करोड़ों रुपए लगा दिए, और एक स्वाभाविक शादी है, दोनों शादियां हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा वेगेंट है जिसने बहुत खर्चा किया उसके बारे में हमारे विचार अच्छे नहीं होते, जैसे कुछ शो कर रहे हैं, पैसे कुछ दिखा रहे हैं, और जो स्वाभाविक शादी है वो तो होनी है उसको उसी तरह से। ये जो विचार आपने मेरे से प्रश्न किया है,
कि अपनी समस्याओं को सही ढंग से लेकर उस पर विचार करना, गोष्ठी करना, वो जात पात को बढ़ावा देना नहीं। देखिए, ब्राह्मण समाज में नाराजगी की एक बड़ी बात आ रही है खट्टर सरकार से, पीछे अरविंद शर्मा बड़े सरकार के अरविंद शर्मा की बात होने से पूछे कि नहीं सर, मैं जवाब नहीं दूंगा। हाँ ठीक है, समाज में एक नाराजगी है कि ऐसा है, जो चीज मेरे आप मेरे प्रति मुझसे पूछिए, मैं अपना जवाब दे सकता हूँ। गुड्डा सरकार में विनोद आ रहे हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ कि मेरे से मेरे प्रति या मेरे बारे में प्रश्न करेंगे मैं जवाब दूंगा। अब तीसरे व्यक्ति के बारे में जवाब देता मुझे शोभा नहीं देती। आपसे पूछ लीजिए वो कौन सा दूर बैठे हैं, आपके पास गाड़ी है, जाइए पकड़िए, पता करिए। लोगों का ये कहना है कि जो लोगों के कहने पे भी नहीं जाता, जो काम विनोद शर्मा ने बुड्ढा सरकार में करवाए वो अब पिछले 10 साल में नहीं हुए। सरकार के प्रति नाराजगी है, मैं लोगों के कहने पे नहीं जाता। व्हाट एवर पीपल आर सेइंग दे विल टेल मी डायरेक्टली, दे विल नॉट कम टू मी बाय समबडी एल्स। वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, मेरे संपर्क में रहते हैं और जो बताते हैं मैं सुनता हूँ, उस पर अमल करता हूँ जो मुझे बताते हैं, बिकॉज आई लाइक टू बी विद माई पीपल। ब्राह्मण समाज के लोग विनोद शर्मा को उसी पावरफुल रूप में देखना चाहते हैं जो पीछे उन्होंने उड़ा सरकार में देखा। ना मैं कभी पावरफुल था और ना मैं कभी पावरफुल बन सकता, कोई व्यक्ति ना तो पावरफुल है ना होगा। ये तो एक संभावना होती है कि आपके मन में दूसरों के प्रति या किसी प्रश्न के प्रति, समाज के प्रति या अपने लोगों के प्रति आपकी भावना क्या है, आप कुछ करना चाहते हैं। कुछ करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप ताकतवर हो, एक मन होना चाहिए, कुछ करने की तमन्ना होनी चाहिए, ताकतवर होना जरूरी नहीं। गरीबी रेखा में भी काफी ब्राह्मण रहते हैं, क्या धर्म संसद में उनकी भी बातें चलती हैं? देखो, गरीबी रेखा के नीचे जो भी व्यक्ति है वो किसी भी जात से संबंध रखता है उसके बारे में बड़ी गंभीरता से सबको सोचना चाहिए, उसके 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 रोजगार के बारे में, उसकी शिक्षा के बारे में, उसके परिवार के बारे में। ये फर्ज बनता है किसी भी सरकार का या किसी भी व्यक्ति का, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का, कि जो बहुत गरीब हैं, गरीब से गरीब है, उनके बारे में गंभीरता से सोचे। विनोद शर्मा जी, भगवत दयाल शर्मा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, तो क्या भविष्य में कोई ऐसा चेहरा उभर के आएगा जो प्रदेश का नेतृत्व करेगा? हाइपोथेटिकल, 1966 की बात कर रहे हैं आप, 34 और 23 बना के 67 साल पहले की बात कर रहे हैं। ही वाज़ द चीफ मिनिस्टर 1966, तो 67 इयर्स बैक व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था उस वक्त, और वो अब होगा या नहीं होगा उसके बारे में मैं कैसे बताऊं? प्रदेश का सियासी माहौल अभी क्या देख रहे हैं आप? खट्टर सरकार के प्रति नाराजगी है, ये जो बातें हैं ना सियासी माहौल की, ये प्रचारिक बातें, प्रचार करने का ढंग तरीका होता है, हर कोई अपने अपने ढंग से प्रचार करता है, जिस तरह से उसको फायदा मिल जाए या मिलने की संभावना हो वो उस तरह का प्रचार बना लेता है। ये कोई आप कहें कि ये सबकी सोच है या काम लोगों की सोच है, ये सच में किसी की सोच है, इट कैन नॉट बी टेस्टेड। ये तो प्रचार का माध्यम है, असलियत जो है वो लोग दिखाते हैं। लोग अपनी जब भी कभी अपनी राय देते हैं, नतीजे निकलते हैं, असलियत तभी सामने आती है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।